नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे चार चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो देख के आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है इस चैनल में हम लोग डेली ट्रेंडिंग वायरल वीडियोज़ आप लोगों को दिखाते रहते हैं, वैसे ही दोस्तों जो चार चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो भी अभी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा दिखाने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा हेडलाइन आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक लड़का के बारे में है जिसका वीडियो अभी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और इसके ऊपर खुद ऋतिक रोशन ने भी अभी कमेंट किया है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनका एक फोटो अभी सोशल मीडिया में खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तीसरा है दोस्तों युगांडा के इमाम के बारे में। इमाम दोस्तों आप बोल सकते हो कि इस्लाम के जो लीडर है उसको इमाम कहते हैं, उनके वाइफ के बारे में। चौथा है दोस्तों जेफ बेजोस के बारे में, जो कि अमेजोन के फाउंडर है, जो अभी अभी इंडिया में आए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा दिखाने से पहले आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और वायरल वीडियो इस चैनल में हम लोग डेली अपलोड करते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा वाला बटन भी प्रेस कर दें, इससे क्या होगा जब भी हम कोई ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इन दिनों एक लड़का जिनका नाम है युवराज सिंह अपने डांस को लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों आप लोग को बता दें उनका वीडियो अभी टिकटॉक में बहुत ही वायरल हो रहा है, और आप लोग को ये भी बता दें टिकटॉक में उनका 1 मिलियन से ज़्यादा फैन है और उनकी हर एक वीडियो में लाखों से ज़्यादा लाइक्स आते हैं। दोस्तों वो माइकल जैक्सन की तरह डांस करता है और माइकल जैक्सन के हर एक स्टेप वो बहुत ही स्मूथ तरीके से कर लेता है। दोस्तों आप लोग को बता दें उनका ये डांस स्टेप इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इनके ऊपर ऋतिक रोशन ने भी खुद कमेंट किया है। दोस्तों ऋतिक रोशन ने उनके डांस के ऊपर कमेंट करके बताया कि इतना ज़्यादा स्मूथ एयर वर्क उन्होंने आज तक नहीं देखा। तो चले दोस्तों हम लोग भी देखते हैं उनके कुछ बेहतरीन डांस स्टेप्स। बात कर रहे हैं मरुधरा के लाल युवराज सिंह उर्फ जैक्सन बाबा, जो अब रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं, और ये संभव हुआ है बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज सितारों द्वारा वीडियो शेयर किए जाने के बाद। दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है दिल्ली में विधानसभा चुनावों की बहुत ही जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रहा है, और इस चुनाव में खुद मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी बिजी चल रहा है, और इसी बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकालकर अपने बैचमेट से अपने चाहने वालों से स्काइप में वीडियो कॉलिंग करके बात की। दोस्तों आप लोगों को बता दें इस वीडियो की कुछ तस्वीर अक्षय मराठे ने सोशल मीडिया में शेयर किया, और इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि उन्होंने काफ़ी खुश नजर आ रहा है। तो दोस्तों किसी ने लिखा है कि इतना खुश तभी हो सकता है जब पड़ोसी का पासवर्ड आप क्रैक कर लेते हो, और किसी ने ये भी लिखा है कि इतना खुश आप तभी हो सकते हो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट क्रैक कर लेते हो। तो दोस्तों किसी ने ये भी लिखा है कि इतना खुश आप तभी हो सकते हो जब टिंडर में अपना मैचिंग की पार्टनर ढूंढ लेते हो। और भी कई तरह की मीम्स बनाकर इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है, जो कि ये तस्वीर अभी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रहा है। दोस्तों थर्ड जो टॉपिक है वो है युगांडा के इमाम के बारे में। इमाम दोस्तों उन लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के लीडर होते हैं। दोस्तों इमाम का ये न्यूज़ वायरल हो रहा है उनकी वाइफ की वजह से। दोस्तों आप लोग को बता दें आज से कुछ हफ्ते पहले इमाम ने शादी की थी। इमाम को झटका तब लगा जब इसको पता चला इसका जो वाइफ है वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। No, God, please, no, no! जब दोस्तों ये बात पता लगाया उनका एक पड़ोसी ने, इमाम की पड़ोसी ने कहा इमाम की वाइफ ने दीवार कूदकर उनके घरों से टीवी और कपड़े चोरी करके ले गए थे जो उन लोगों ने देख लिया था, जो कि एक लड़का था। दोस्तों जब पुलिस आई तब इमाम की पत्नी ने हिजाब पहनी हुई थी, तब महिला पुलिसकर्मी ने उनका तलाशी लिया और बाद में पता चला कि वो एक मर्द है। तो दोस्तों इमाम को जब ये बातें पता चला तब उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बोला कि मैं शादी करना चाहता था और मुझे एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी, ये लड़की मुझे मस्जिद में मिली तब वो हिजाब पहनी हुई थी, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, मैं जाके उसको प्रपोज किया और वो तैयार हो गई, लेकिन वो ये बात बोली कि शादी से पहले हम लोगों के बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा, और इसलिए मुझे ये नहीं पता चला कि ये लड़का है या लड़की। ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेफ बेजोस के बारे में, जो कि अमेजोन के फाउंडर है, जो कि अभी इंडिया में आए हुए हैं, और उन्होंने अभी ये मकर संक्रांति के दौरान बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाए। लेकिन दोस्तों वीडियो जो वायरल हुआ इसका खास बात यह कि उन्होंने इंडिया की इतनी कोयर कुर्ता पैजामा में बच्चों के साथ पतंग उड़ाने में नजर आए, और उन्होंने अपना ये वीडियो ट्विटर अकाउंट में डाला जो लोग इसको काफी पसंद भी कर रहा है।
दोस्तों आप लोगों को बता दें, उन्होंने इंडिया में पहले लैंड करने के बाद राजघाट में गए और वहाँ पे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और खास बात यह है कि मुझे बच्चों के साथ पतंग उड़ाने में भी काफ़ी मज़ा आया। तो दोस्तों यह था चार वीडियो जो कि अभी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो काफ़ी से लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और वायरल वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुस्त रहे, सलामत रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।